प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। एयर पोल्यूशन के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम एयर पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकते हैं और कितने प्रकार के जो हैं एयर पोल्यूशन होते हैं, चाहे वो इंडोर पोल्यूशन हो चाहे वो आउटडोर पोल्यूशन हो। तो जहाँ तक एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने की बात है तो जो बेस्ट इंडिकेटर्स हैं एयर पोल्यूशन के, वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। इनको ज्ञात करने के लिए जो है एक नॉन वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो एक फिल्टर पेपर के थ्रू, एक स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर उनको उस फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया जाता है और उससे जो स्मोक और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा जो स्टेन है उस स्टेन को फोटो इलेक्ट्रिक मीटर द्वारा मेज़र करके हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और जो स्मोक है उसकी हम जो है मात्रा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। जो स्मोक कंसंट्रेशन है वो एस्टीमेट की जा सकती है और जो एक्सप्रेस करते हैं हम उसे माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर, यानी एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितने माइक्रोग्राम स्मोक की कंसंट्रेशन है, ये हम डिफरेंट पीरियड पे किसी समय के उसको हम उनके अंदर ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रिट और डस्ट है उसको हम जो डिपॉजिट गाज हैं उनको इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर जो ग्रिट और डस्ट है या दूसरे जो सॉलिड हैं वो कलेक्ट होते रहते हैं और उनको हम मंथली एनालाइज करके उसकी जो स्तर है ग्रिट और डस्ट का उसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह से चौथा जो मेथड है वो है कोफिशिएंट ऑफ फेज। पर्टिकुलरली यूएसए के अंदर जो है अमाउंट ऑफ स्मोक और दूसरे जो एरोसोल हैं हवा के अंदर उनको एस्टिमेशन जो है हम उनको ज्ञात करके जो कोफिशिएंट ऑफ फेज है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI बोलते हैं इसे। तो AQI जो है ये इंडिकेट करता है कि जो पॉल्यूटेंट है वो हेल्थ उसका लेवल, हेल्थ के लिए वो उसका कंसर्न है या नहीं है, यानी कि उसका रिस्क ह्यूमन हेल्थ के लिए है या नहीं है, और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 500 तक जो है वो रहती है। तो यूजली 300 से ऊपर का अगर AQI इंडेक्स है तो उस एयर क्वालिटी को हम बुरा एयर क्वालिटी मानते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसका जो है ह्यूमन हेल्थ पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जब टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन जो है जो डोमेस्टिक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा जो पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा होता है वो इंडोर एयर पोल्यूशन कहलाता है, और जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं उनसे उत्पन्न जो पोल्यूशन है जो पर्यावरण के अंदर नेचर के अंदर उत्पन्न होता है उस पोल्यूशन को हम आउटडोर पोल्यूशन कहलाते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है बहुत एक एनवायरमेंटल, एक क्रिटिकल ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो पूरे विश्व के अंदर जो है बहुत सारे मनुष्यों को जो है प्रभावित करता है, और ये जो है इंडोर पॉल्यूशन वो आउटडोर एयर पॉल्यूशन की बनिस्पत जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। और इंडोर पॉल्यूशन जो है ये पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है उन इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है, एंड अबाउट 2/3 ऑफ ग्लोबल जो एक्सपोजर है जो पार्टिकुलेट्स का वो रूरल पॉपुलेशन इसके प्रति जो है वो एक्सपोज रहती है। WHO के अनुसार लगभग 3 बिलियन लोग जो हैं वो अभी भी कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए घरों के अंदर जो है वो सॉलिड फ्यूल या ओपन फायर्स जो लीकी स्टोव्स हैं, स्टोव्स जिनसे जो ये है पॉल्यूटेंट्स लीक होते रहते हैं उनका उपयोग करते हैं। लगभग इनमें से 2.7 बिलियन जो पीपल हैं वो वुड, एनिमल डंग या जो क्रॉप वेस्ट है उसको बर्न करके जो है कुकिंग में या हीटिंग के लिए उसका उपयोग करते हैं, और 0.4 बिलियन जो हैं
लगभग वो अभी भी कोल का उपयोग करते हैं कुकिंग के लिए। तो ये कुकिंग और जो हीटिंग प्रैक्टिसेस हैं ये हाई लेवल के जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिलीज करती हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। उन एरियाज में जो पुअरली वेंटिलेटेड हैं, ये जो इंडोर स्मोक है ये 100 टाइम्स हायर हो सकता है विच इज़ एक्सेप्टेबल लेवल फॉर स्मॉल पार्टिकल्स। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इंडोर एरियाज के अंदर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग एंड कुकिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, जिनके अंदर हम बायोमास का या कोल का इनको हम बर्न करने के लिए या केरोसिन का उपयोग करते हैं। ये जो एक्सपोजर है ये पर्टिकुलरली वोमेन और यंग जो बच्चे होते हैं उनके उनको जो है इस एक्सपोजर ये ज़्यादा होता है इंडोर पॉल्यूशन का प्रति, क्योंकि ये ज़्यादा अपना जो समय है वो घर के अंदर ही गुजारते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं कौन सा पॉल्यूटेंट किस सोर्स से उत्पन्न होता है, तो जो रेस्पायरेबल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स जिसको हम श्वसन के द्वारा अंदर ले जाते हैं, तो जो टोबैको का जो स्मोक है वो स्टोव या जो हम एरोसोल स्प्रेस, तो जो हम परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं उनके अंदर जो एरोसोल का उपयोग होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कंबस्टन इक्विपमेंट्स जो हैं, पर्टिकुलरली इनकम्प्लीट कंबस्टन जहाँ पे होती है उन कंडीशंस में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो जितने भी कंबस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, स्टोव है, गैस हीटर्स हैं, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गैस कुकर्स और सिगरेट्स उसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो हैं वो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो बायोमास है चाहे वो कोल है आपके, उनके द्वारा और जो रेस्पिरेशन के द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते रहते हैं। इसी तरह से जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये पार्टिकल बोर्ड, कारपेट एडहेसिव्स और जो इंसुलेशन हैं उनके द्वारा जो है फॉर्मेल्डिहाइड उत्पन्न होती रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड का इम्पोर्टेंट सोर्स कोल कंबस्टन है और कुछ ऑर्गेनिक वेपर्स जैसे बेंजीन और टॉलविन ये सॉल्वेंट्स के द्वारा, एडहेसिव्स के द्वारा या जो रेजिन प्रोडक्ट्स हैं या इवन जो एरोसोल स्प्रेज हैं उन सब के द्वारा जो है बेंजीन और टॉलविन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती हैं। ओजोन का इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक आर्किंग और जो यूवी लाइट सोर्सेज हैं उनके द्वारा जो है ओजोन उत्पन्न होती रहती है। रेडोन और जो उसके जो डॉटर पार्टिकल्स हैं वो बिल्डिंग मटेरियल जो हैं वो उसका इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। एस्बेस्टोस इंसुलेशन और जो फायर प्रूफिंग है उसके द्वारा उत्पन्न होती है। मिनरल फाइबर्स जो हैं वो आपके जो अप्लाइंसिस जो घर के अंदर हम यूज़ करते हैं वो उसका इम्पोर्टेंट सोर्स है। जो स्मोकिंग स्मोक की कुकिंग फ्यूल्स है, जब हम ओपन फायर जैसे कुकिंग स्टोव को यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा जो है जो स्मोक रिलीज होता है उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम SPMs कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिलीज होती है और उसके अलावा PAHs जो होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो भी जो है इस ओपन फायर कुकिंग जो है उनके द्वारा उत्पन्न होती रहती है। इसी तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके इम्पोर्टेंट सोर्स है जब हम गैस केरोसिन या वुड या कोल को बर्न करते हैं तो उससे द्वारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो जहाँ पे फायर्स, फायर प्लेसेस, फर्नेसेस हैं वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये चिमनी से या जो वेंटिलेशंस हैं उनसे लीक होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंडोर घर के अंदर जो है वो सर्कुलेट करती रहती है। रूम और वाटर हीटर के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो भी एक सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का। जो व्हीकल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो,
चाहे वो ट्रक्स और बसेज हैं, वो सब भी कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करती हैं। टोबैको का जो धुआं है, जब कोई व्यक्ति सिगरेट या बीड़ी पीता है, तो उसके द्वारा भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण में रिलीज की जाती है। पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बस्चन हो रही है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा ही होगा। इसी तरह से जो है, अगर हम बात करें जो टोबैको स्मोक है उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो जिन बच्चों की माताएं अगर स्मोकिंग करती हैं तो उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो 70% अधिक पाई गई हैं, और एक वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनके अंदर न्यूमोनिया और उनको हॉस्पिटलाइज होने की जो दर है वो 38% अधिक है उन बच्चों में जिनकी माताएं जो हैं वो स्मोकिंग करती हैं। और ऐसी कंडीशंस में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है इन्फेंट्स की, वो 80% अधिक है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकिंग मदर्स। अगर सभी प्रेग्नेंट मदर्स स्मोकिंग को छोड़ दें तो 20% ऑफ जो इन्फेंट डेथ्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। और ऐसे बच्चों के अंदर SIDS के द्वारा मोर्टेलिटी या डेथ के जो चांसेस हैं वो 5 times हायर होते हैं। SIDS जो है वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये स्मोकिंग मदर्स के अंदर जो है, उनके बच्चों के अंदर SIDS जो है 5 times हायर रिस्क हैं एज कम्पेयर टू जो नॉन स्मोकिंग मदर्स हैं उनके कंपेरिजन। इसी तरह से जो पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे करते हैं, चाहे हम घरों में करें, चाहे स्कूल्स में करें, चाहे हम उनको क्रॉप फील्ड्स में करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स भी जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जब हम स्प्रे करते हैं पर्टिकुलरली घरों में, जैसे हम जो काकरोच मारने के लिए या मच्छरों को मारने के लिए हिट आदि उपयोग करते हैं, तो ये अल्टीमेटली फ्लोर के ऊपर सेटल हो जाती हैं, और ये जो हैं, ये जो कारपेट है, सॉफ्ट टॉयज हैं, उनके ऊपर कॉन्टीन्यूसली चिपके हुए जो हैं ये पेस्टिसाइड्स रह जाते हैं। और जब हम इनका ओवर यूज़ या मिस यूज़ करते हैं तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो मनुष्य की हेल्थ के लिए इसके हानिकारक इफ़ेक्ट आते हैं। पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं उनके अंदर अगर वो इन पेस्टिसाइड्स को इनहेल करते हैं, जब वो क्रॉल करते हैं तो वो क्योंकि फर्श के नज़दीक हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो उन पेस्टिसाइड से उनका एक्सपोजर हो। और प्लेइंग जब वो फ्लोर के आसपास खेलते हैं या जो टॉयज हैं जिनको वो करते हैं, या जब फ्लोर से हाथ को टच करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे अगर ये पेस्टिसाइड्स हैं और उस हाथ को या ऑब्जेक्ट को जब मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो वो जो है आपके ये हार्मफुल जो है उनका इफेक्ट जो है वो उन बच्चों के ऊपर इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। मॉस्किटो कॉइल्स जो हम यूज़ करते हैं, मॉस्किटो का छुआ छाप जो हम मॉस्किटो कॉइल यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली, जो अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा उपयोग में की जाती है, इसका मेजर इन्ग्रेडियंट जो है वो पायरेथ्रिन्स हैं। और ये जो पायरेथ्रिन्स हैं इनके लंबे समय तक अगर एक्सपोज किया जाए तो अस्थमा और वीजिंग कफ जो है आपके, ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मॉस्किटोस कॉइल को बर्न करने से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से जो सॉल्वेंट्स हैं और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये अल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स की फॉर्म में जो हैं ये बहुत सारे सोर्सेज के अंदर उपस्थित होते हैं, जैसे सॉल्वेंट के अंदर या फैब्रिक सॉफ्टनर जो हम यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए, या जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, ये सब इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिए हुए होते हैं। पेंट्स, ग्लूज, वैक्सीज या पॉलिशिंग मटेरियल है, इनके अंदर ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वे यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो प्रोपेलेंट्स हैं, स्प्रे प्रोपेलेंट्स या ड्राई क्लीनिंग के अंदर जो फ्लूड यूज़ होता है, इवन पेन्स और मार्कर्स जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर भी जो है ये आपके ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स जो हैं वो उपयोग में होते हैं। इसी तरह से ये बाइंडर्स और प्लास्टिसाइजर्स के रूप में या कॉस्मेटिक्स जैसे हेयर स्प्रे या परफ्यूम्स हैं उनके अंदर भी ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं, और ये कंटिन्यूस इंडोर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरह से जो
कुछ और बायोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं जो इन पॉल्यूटेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं, और इनमें इम्पोर्टेंट जो है जैसे जो एनिमल के द्वारा जो डेंड्रफ गिरता है, पर्टिकुलरली जो पेट एनिमल्स को रखते हैं तो उनकी स्किन की जो शेडिंग है, डस्ट माइट्स जो हैं, मोल्ड्स हैं, ये सारे जो हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट के रूप में हमारे इंडोर जो एयर है उसको पॉल्यूट करते रहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इनके अंदर वाटर डैमेज सर्फेसेस हैं, मटेरियल हैं, ह्यूमिडिफायर्स हैं, स्टैग्नेंट वाटर है, वाटर वेपर्स फ्रॉम कुकिंग एंड शॉवरिंग उससे जो निकलते हैं, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो हैं वो भी इनको करती हैं, जो मैट्रेसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, फर्नीचर्स, कारपेट्स, ये सारे जो हैं आपके अगेन सोर्सेज हैं जो एयर को पॉल्यूट करते रहते हैं। जो इंडोर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके हेल्थ पर बहुत एक्यूट इफेक्ट होते हैं, जैसे इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज, नोज और थ्रोट जो हैं, इनकी जो म्यूकस लाइनिंग है उसको ये उसके अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस करते रहते हैं, कफ, वीजिंग और चेस्ट के अंदर जो टाइटनेस है वो एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जो इंडोर पॉल्यूशन की वजह से होता है। इसी तरह से जो एलर्जेंस है उसके प्रति जो है जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है उसके चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, न्यूमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, ट्रेक्योब्रोंकाइटिस, एक्सेसब्रेशन ऑफ एस्थमा, ये सब जो हैं, ये एस्थमा, ये सब जो हैं बीमारियाँ, ये इंडोर पॉल्यूशन की जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और इनका जो क्रोनिक और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है वो लंग की ग्रोथ को प्रभावित करता है, और जो पल्मोनरी फंक्शन है उसको ये इम्पेयर करता है, उसको ये डैमेज करता है, और लंग डिजीज, एस्थमा आदि के प्रति जो है ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो उनको बढ़ाते हैं, बढ़ाने के अंदर जो है वो मदद करते हैं ये इंडोर पॉल्यूशंस। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आउटडोर एयर पॉल्यूशंस जो हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।